सरफेस ऑफ द लॉक, दिस वन इज द एंटीरियर मार्जिन, दोनों में देखो एंटीरियर मार्जिन, दिस वन इज द इंफीरियर मार्जिन, यहाँ पे देखो दिस वन इज द पोस्टीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन या फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस वन ये नहीं है, जिसने भी नहीं देखा ये वाला नहीं है, दिस वन, ओके, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज अ थिक वन, पोस्टीरियर बॉर्डर इज अ थिक वन, व्हाइल एंटीरियर बॉर्डर इज अ शार्प वन, ओके, और एंटीरियर बॉर्डर में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट यहाँ पे स्ट्रेट होता है, पता नहीं चल रहा है मुझे पता है, लेकिन जहाँ पे जहाँ जब बॉडी में होता है एंटीरियर इज द स्ट्रेट वन एंड ऑफ द राइट इज द स्ट्रेट वन एंड ऑफ द लेफ्ट इज द नॉच्ड वन, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नॉच होता है, देखो दिस एरिया इज फॉर कार्डियक नॉच, ओके, और सरफेस में देखो दिस वन इज इंफीरियर सरफेस, दिस वन इज पोस्टल सरफेस, दिस वन इज मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस में ये देखो लार्जर पार्ट इज फॉर मीडिया स्टाइनल सरफेस, ये मीडिया स्टेनम नहीं है, यहाँ पे रख के देखो ये मीडिया स्टेनम का एरिया नहीं है, तो दिस वन इज फॉर मीडिया स्टाइनल सरफेस, और ये देखो दिस वन इज द वर्टिब्रल सरफेस, ये वर्टिब्रल सरफेस भी मीडियल सरफेस का ही पार्ट है, पता चला ये मीडियल सरफेस का ही, क्योंकि ये पोस्टीरियर है ना, यहाँ तक पोस्टीरियर ही है, तो दिस वन अभी तक मीडियल ही है, ये वाला अभी मीडियल ही है, तो मीडियल का पार्ट ही है, दिस वर्टिब्रल इज पार्ट ऑफ मीडियल, और ये यहाँ का सरफेस ही है, लंग्स ऐसे रहता है ना, तो ये मीडियल ही है, ये पोस्टीरियर हो गया ना, ओके, चलो सरफेसेस हो गया दोनों में, नाउ फॉर द आर्टरी वेन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड थाइलम ऑफ द लंग, और जब स्ट्रक्चर्स के साथ बोलते हो, इसमें स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं, तब हम बोलते हैं रूट ऑफ द लंग, स्ट्रक्चर्स के साथ इट इज नोन एज रूट ऑफ द लंग, और सिंपली इसको हाइलम ऑफ द लंग बोला जाता है, हाइलम में राइट और लेफ्ट में डिफरेंस होता है, जब एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हो स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब सुपीरियर टू इंफीरियर जाते हो राइट और लेफ्ट में डिफरेंस है, लोब्स तो नहीं बताया मैंने, बोलते नहीं हो, दिस वन इज ओब्लिक फिशर डिवाइड्स इनटू, ये क्या हो गया सुपीरियर लोब, और ये हो गया इंफीरियर लोब, और ये आ गया हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर भी ओब्लिक फिशर के साथ मिलता है, और ये बनाता है यहाँ पे मिडिल लोब, हो गया, यहाँ पे तीन लोब है, यहाँ पे दो लोब, दो लोब के लिए ये देखो दिस वन इज द ओब्लिक फिशर, तो ये हो गया सुपीरियर लोब, ये हो गया इंफीरियर लोब, और यहाँ पे जैसे मिडिल लोब है लिंगुला को ऐसे ही माना जाता है कि मिडिल लोब, इसका मिडिल लोब एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये इट इज अ टंग लाइक प्रोजेक्शन नोन एज लिंगुला, ओके, और क्या था, हाँ साइड डिटरमिनेशन कैसे करोगे, एंटीरियर बॉर्डर, ये क्या रहेगा, ये तो मीडियली रहेगा, पहले बात है, ये एंटीरियरली रहेगा, ये इंफीरियरली रहेगा, ये तो एपेक्स हो गया, और मैं इसको राइट ना बोल के अगर लेफ्ट बोल दूं, तो अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है तो ऐसे पकड़ोगे एग्जाम, अगर पकड़ने के लिए बोले तो राइट लंग है ऐसे राइट के एरिया में पकड़ोगे, यहाँ पे ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट लंग को पकड़ना है लेफ्ट हैंड में पकड़ोगे, राइट हैंड में सपोर्ट करोगे, ओके, चलो वो तो हो गया, हाँ अगर इसको मैं पे जब एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पता चल रहा था, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर दोनों में वेयर आर्टरी एंड ब्रोंकस, पहले वेयर देन इज द आर्टरी देन इज द ब्रोंकस, ये हो गया एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यहाँ पे भी देखो ये वाला वेन है एक्चुअली, ये जो ब्लैक पड़ गया है पूरा, ठीक है, तो दिस वन इज द वेन, दिस वन इज द आर्टरी, दिस वन इज द ब्रोंकस, ये एक लाइन में नहीं है, देखो ये एक्चुअली एक सेंटेंस में एक ये में नहीं है, लाइन में नहीं है, लेकिन पहले ये आता है वेन के बाद ये आता है देन ब्रोंकस, देख रहे हो पहले वेन खत्म होते ही पहले आर्टरी शुरू हो रहा है ना, इसके बाद तो ब्रोंकस आ रहा है, तो वेन देन आर्टरी देन ब्रोंकस, ओके, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो मैं यही याद रखना है स्ट्रक्चर है, वेन्स आर द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर दोनों में, हो गया, सो पहले वेन सो सुपीरियर टू इंफीरियर के थे आर्टरी ब्रोंकस वेन, देखो तो खाली मैं फोटो उठो दू आर्टरी ब्रोंकस वेन, मैम मुझे पढ़ लिया नीचे इंफीरियर वेन का बस इतना थोड़ा सा पोर्शन, आर्टरी में तो इतना बड़ा रहता है ना, बस इतना टा पोर्शन आईबीसी का है, इतना टा पोर्शन एसवीसी का है, एसवीसी में यहाँ पे आर्च ऑफ अजाइगस, आर्च ऑफ अजाइगस, और एसवीसी बनाने में यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफली उसका भी इम्प्रेशन होगा,
यहाँ पे एसवीसी, यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफल, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इंप्रेशन मार्किंग बुक में है, वो सब पढ़ लेना कैसे कैसे डायग्राम बनाना है. राइट एट्रियम, आईवीसी, एसवीसी, ब्रेकियोसेफलिक, राइट ब्रेकियोसेफलिक, हो गया. दिस वन इज फॉर आर्च ऑफ अजाइगस वेन, आर्च ऑफ अजाइगस वेन, यहाँ पे हो गया ट्रेकिया. ठीक है, और ये टोटल में लेंथ में हो गया इसोफेगस, पूरा ऐसे ट्रेवल करेगा. और हाइलम के सामने रहेगा फ्रेनिक नर्व, और यहाँ पर रहेगा हाइलम के सामने, हाइलम के पीछे. देन यहाँ पे क्या था, ये जो वर्टिब्रल सरफेस था, तो दिस वन इज फॉर वर्टिब्रा, यहाँ पे बॉडी ऑफ वर्टिब्रा रहेगा. फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहेगा. देन ये रिब्स में जो जा रहा है सेफ स्पेस में, सो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल रहेगा. और नर्व्स रहेगा स्प्लैंचनिक नर्व्स, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड इज कॉल्ड स्प्लैंचनिक नर्व्स, स्प्लैंकनिक या स्प्लैंचनिक जो भी बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्प्लैंचनिक नर्व्स. तो क्या वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, देन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स, देन इज द ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंचनिक नर्व्स. हो गया. फिर से दिस वन इज आईवीसी, एसवीसी, आर्च ऑफ अजाइगस, राइट ब्रेकियोसेफलिक, ट्रेकिया, इसोफेगस, सॉरी इसोफेगस, राइट सॉरी फ्रेनिक, फ्रेनिक, हो गया.